नमस्कार साथियों। साथियों कई बार ऐसा होता है कि लोग मिलते हैं, बोलते हैं भैया आप गाड़ी घोड़े से घूमते हो, मस्ती से ज़िंदगी जी रहे हो, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जीते हो, और हम पता नहीं ऐसी ज़िंदगी कब जिएंगे। तो साथियों ऐसा कुछ नहीं है कि जैसी आर्थिक स्थिति हमारी आज है ऐसी शुरू से रही है, ये तो अपना समय बदलना पड़ता है साथियों। आप अगर कोशिश करोगे तो बदल सकते हो, ठीक है। और पुराने दिन हमें याद आते हैं तो उन दिनों को लेकर, उन दिनों को याद करके कविता लिखी थी साथियों, वो कविता आपके सामने बताने जा रहा हूँ कि कहते हैं बड़ी मुश्किल से पार होती है ये मानो लक्ष्मण की रेखा है, और मैंने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है। माँ के हाथों में छाले हो जाते थे, मेहनत करते करते हाथ काले हो जाते थे, और जब वो छाले फूट जाते थे हम भीतर से टूट जाते थे, फिर भी उसने हमारे लिए रोटियों को सेका है, मैंने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है। उसके बाद लिखा था साथियों कि खिलौनों से खेलने की उम्र में मेहनत करनी पड़ती थी, खिलौनों से खेलने की उम्र में मेहनत करनी पड़ती थी, हमारे मन में भी शहर जाके पढ़ने की चाह उमड़ती थी, मन को मार के गांव की पाठशाला में ही पढ़ लेते थे हम, नन्हे नन्हे हाथों से ही अपनी किस्मत से लड़ लेते थे हम, सोचते थे बदल देंगे हमारे हाथों में जो भाग्य की रेखा है, मैंने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है। साथियों उसके बाद लिखा है टपकती छत के नीचे माँ जाने कैसे सोती थी, तब पापा की आंखों में बस लाचारी होती थी, यही विचारते बच्चों को सही से पाल नहीं पाता हूँ, कुछ भी कर लूँ पर संकट से निकाल नहीं पाता हूँ, और कहते थे ये सब किस्मत का लेखा है, मैंने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है। साथ ही लास्ट में लिखा है कि वो समय गया वो दौर गया, फिर मैं अपने घर वालों से, अपने मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स से बोल रहा हूँ कि वो समय गया वो दौर गया, अब कष्ट नहीं आने दूंगा, बहुत खाई है दुखों की ठोकर और नहीं खाने दूंगा, लक्ष्य बना ले अगर मनुष्य हर हाल में उसको पा सकता है, और कैसी भी हो विषम परिस्थिति उसको बदला जा सकता है, मनुष्य के कंधों पर ही अपना वक्त बदलने का ठेका है, मैंने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है।